नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास नथिंग फोन वन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी मार्केट में नथिंग फोन टू लॉन्च हो चुका है और दोस्तों उसकी जो सेल है वो भी स्टार्ट हो चुकी है एक दो बार। बट मैंने दोस्तों परचेस किया है नथिंग फोन वन। ये मैंने क्यों लिया है, इसका रीज़न क्या है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगा और आपको फ़ोन भी दिखाऊँगा, क्योंकि आपको बॉक्स से ही पता लग चुका होगा कि मैंने ये एक थोड़ा सेकेंड हैंड फ़ोन लिया है, कुछ दिन चला हुआ। दोस्तों इस फ़ोन में क्या क्या मिलता है, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तब के मुताबिक अभी इसमें हमें क्या नया देखने को मिल रहा है और जो कितने का लिया है, और दोस्तों क्या आपको नथिंग फ़ोन टू लेना चाहिए या फिर आपको नथिंग फ़ोन वन की तरफ जाना चाहिए, ये सब आप दोस्तों इस वीडियो में आप जानोगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ये बॉक्स जो इस तरह का आता है, चाहे आप नथिंग फ़ोन ले लो वन वाला, चाहे आप टू ले लो, सेम बॉक्स आते हैं इस तरीके के। जैसे कि दोस्तों जो पिज़्ज़ा बॉक्स आता है उस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ये EMI वगैरह लिखे हुए हैं, नंबर और इसके दोस्तों रेट वगैरह लिखी हुई है, मैनुफैक्चरिंग रेट कब की है। और दोस्तों मेरे पास है इसका वाइट कलर 8GB 256GB वाला वेरिएंट, तो मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जो फ़ोन है वो मैंने ऑलरेडी ऑन कर लिया, बट मैंने पैक कर दिया है वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए जो है बॉक्स यहाँ मिलता है दोस्तों हमें एक अलग से बॉक्स, फिर मैं वो बॉक्स दिखाता हूँ जिसके अंदर दोस्तों आपको मिलती है एक Type-C to Type-C डाटा केबल, चाहे हमें भी बॉक्स के अंदर मिलता नहीं है, और कुछ पेपर बॉक्स मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। एक मिलती है सिम इजेक्शन पिन, जो दोस्तों मुझे इसके साथ मिली नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी खो चुकी होगी। जी है दोस्तों फ़ोन, जो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं तो सेम वैसे ही पैक कर दिया था जैसे न्यू फ़ोन आता है। तो ये देखिए इस तरीके से रैपर में दोस्तों ये पैक आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके, क्योंकि दोस्तों मैंने कर दिया था जी एकदम पैक। तो कुछ इस तरीके से आता है दोस्तों, जिससे मैंने ख़रीदा है उसकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि उसने सारा सामान सेव करके रखा, ऐसा नहीं कि बॉक्स फेंक दिया हो या रैपर वगैरह जो होते हैं फ़ोन को जो वाला जो फेंक दिया, उसने कुछ भी नहीं फेंका, सब सेव करके रखा, क्योंकि उसे पता था आगे सेल करूँगा तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। तो आप भी दोस्तों अगर कोई फ़ोन कभी ख़रीदें तो सब सामान उसका सेव करके रखें, जिससे आप उसको सेल कर सको, तो आपको आसानी से आपका फ़ोन सेल हो सके। तो ये देखिए जे नथिंग फ़ोन वन वाइट का दोस्तों, काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। और ये देखिए एकदम इसकी बॉक्स की डिज़ाइन है जैसे आईफोन में हमें मिलती है, iPhone 13, iPhone 12, दोस्तों iPhone 12 से ऊपर के जो भी सेट आ रहे हैं उन सब में हमें बॉक्स डिज़ाइन मिलती है, तो वही डिज़ाइन इसमें दी गई है नथिंग फ़ोन में। और दोस्तों ये सब पूरा लेमिनेटेड ऑर्डर, इसमें दोस्तों पूरी जो है जी हमारी लेमिनेट हो रखी है पूरी, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़े बहुत इस तरीके से दिख रहे हैं। दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो इसमें दोस्तों हमें दो कैमरे मिलते हैं 50+50 के, जिसमें दोस्तों एक मेन कैमरा है, एक है OIS, जो दोस्तों इसमें आप काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो ले सकते हो। और सेल्फी कैमरा दोस्तों इसमें हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का, तो उससे भी अच्छी फ़ोटो आ जाती हैं। अब आप और फ़ोन से कंपेयर करोगे तो हर फोन में कोई ना कोई कमी होती है, बट अगर आप सही फ़ोन ले रहे हो तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आप किसी भी एंगल से इसको देखते हो तो। हाँ, इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंट वाली फीलिंग नहीं मिलती, क्योंकि ये इसमें आपको IP68 की रेटिंग नहीं मिलती, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे ही दोस्तों उससे हमारी वारंटी नहीं मिलती अगर कोई दिक्कत आती है तो। तो ये देखिए इसमें हमें 6.5 इंच डिस्प्ले मिलती है, जो कि दोस्तों एक POLED डिस्प्ले है, जो कि दोस्तों हमें काफ़ी महंगे फ़ोनों में देखने को मिलती है OLED वाली। तो ये देखिए इस तरह का इंटरफेस है इसका, मैंने इसको सेटअप कर लिया था, अभी इसमें सिम नहीं डाली मैंने, बट अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। तो कुछ इस तरह का इसमें हमें इंटरफेस मिलता है। इसकी मेमोरी की बात करूँ तो इसमें दोस्तों हमें मिलती है 8GB 256GB, क्योंकि दोस्तों इसमें कई वेरिएंट आते हैं, बट मेरे पास 8GB और 256GB वाले वेरिएंट है जो कि मैंने परचेस किया है। दोस्तों इसका जो सबसे हाईलाइट चीज़ है वो है दोस्तों इसकी रिजे वाली लाइट, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ, इसी की वजह से दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। जब आप इसको आप दोस्तों आपको जाना पड़ेगा साउंड में, मैं आपको दिखाता हूँ, लगा कर दिखाऊँगा। यहाँ देखिए फ़ोन रिंगटोन, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे दोस्तों आप रिंगटोन चेंज वगैरह करते हो, ये देखिए और चेंज करोगे
तो इसमें जो की हाईलाइट है वो यही है कि इसकी दोस्तों ये पीछे की लाइट हैं जो ब्लिंक करती हैं जब आपका फ़ोन आता है या नोटिफिकेशन आती है या दोस्तों आपका फ़ोन में कोई मैसेज आता है तब आप जो लाइट दोस्तों ब्लिंक होती हैं, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। और जो यहाँ पर जो ब्लैक हॉल दिया जाए दोस्तों, इसके अंदर रेड लाइट है। जब भी आप अपने फ़ोन से कोई रिकॉर्डिंग करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर रेड लाइट जो है दोस्तों ब्लिंक होती है। तो जो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर इसमें दिए गए हैं। चार्जिंग की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें आपको 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, जिसमें आपका दोस्तों एक दिन आराम से निकल जाता है। आप दोस्तों थोड़े बहुत गेमिंग भी करते हो फिर भी, अगर आप ज़्यादा हैवी यूज़ करते हो तो आपको 6 से 7 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। और दोस्तों चार्जिंग सपोर्ट की बात करूँ तो बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता, बट आपको इसमें 33 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो आपको फ़ोन काफ़ी क्विक चार्ज भी हो जाएगा। जिसका दोस्तों अगर चार्जर आप लेना चाहते हो तो आपको फ्लिपकार्ट पर 2500 समथिंग का मिलेगा, बट आप 33 वाट का कोई भी चार्जर ले लो, उससे आप इसको चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वो दोस्तों काफ़ी कॉस्टली है। तो दोस्तों यही है नथिंग फ़ोन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर साइड में पावर बटन दिया गया है, 16 मेगापिक्सल कैमरा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, पीछे आपको 50+50 कैमरे दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जो सिम ट्रे मिलती है, जिसमें आप डुअल सिम लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, टाइप सी का पोर्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर डुअल स्पीकर सपोर्ट है, एक स्पीकर यहाँ दिया गया है और दूसरा दोस्तों यहाँ ऊपर दिया गया है। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, वॉल्यूम अप डाउन बटन साइड में मिलते हैं, फेस अनलॉक दोस्तों इसमें दिया गया है, काफ़ी अच्छा काम करता है। और दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर जो है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा है, इतना फास्ट नहीं है बट ये दोस्तों काफ़ी अच्छा वर्क करता है, जो कि आपको इसमें मिलता है। दोस्तों अगर आप इसको लेना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे इसकी कीमत करीब समथिंग 30,000 रुपये है, जो कि दोस्तों कुछ ही दिनों में सेल स्टार्ट होने वाली है, उसमें आपको ये 26 से 27 हज़ार का मिल जाएगा। बट दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ मैंने कितने का लिया है। दोस्तों मैंने इसको लिया है अपने एक मिलने वाले से, अपने एक फ्रेंड से, जो कि दोस्तों मुझे पड़ा है 23,000 का, यानी दोस्तों 23,000 रुपये का मैंने इसको लिया है। और ये दोस्तों 5 महीने चला हुआ, तो 5 महीने के साथ दोस्तों काफ़ी अच्छी वैल्यू डील मिल गई, इसलिए दोस्तों मैंने इसको परचेस कर लिया। आपको दोस्तों इसके फ़ोन के बारे में क्या जानना है आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको कोई सवाल हो इस फ़ोन को लेकर या फिर कोई भी कुछ जानना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।